एक सीट को लेकर अनुप्रिया और संजय निषाद बीजेपी आलाकमान पर बना रहे थे दबाव, लेकिन इसी दौरान अखिलेश ने चल दी ऐसी चाल, दोनों बेचैन तो जरूर हुए होंगे। सपा के 100 नेताओं के साथ अखिलेश की मैराथन बैठक, नवरात्र में अखिलेश करने वाले हैं बड़ा ऐलान। इस ऐलान से पहले ही अनुप्रिया और संजय निषाद टेंशन में आ गए। सपा के 100 नेताओं के एक्टिव होने से दहशत में अनुप्रिया और संजय निषाद, बीजेपी की ओर से जल्द फैसला लेने का कर रहे इंतजार। चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं किया है। इन सीटों पर मतदान की तारीखों का इंतजार राजनीतिक पार्टियों से लेकर आम आदमी तक को है। उपचुनाव की तारीखों का ऐलान भले ही ना हुआ हो, लेकिन सियासी पार्टियों ने अभी से ही अपनी बिसात बिछानी शुरू कर दी। उपचुनाव में मुकाबला बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए और सपा कांग्रेस के गठबंधन में देखा जा रहा है। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव उपचुनाव को लेकर नवरात्र में बड़ा ऐलान कर सकते हैं। अब इस ऐलान से पहले अखिलेश ने जो रास्ता अपनाया, उसे निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद और अपना दल के अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल टेंशन में होंगी, क्योंकि एनडीए के सहयोगी होने के नाते अभी तक बीजेपी ने यह तय नहीं किया है जिस विधानसभा सीट पर अनुप्रिया पटेल और संजय निषाद की नजर है वो किसे देगी। जिस वजह से जो तैयारी होनी चाहिए थी वो तैयारी अभी तक इन दोनों पार्टियों के नेता नहीं कर पाए। अब वो सीट कौन सी है वो भी जान लीजिए। ये सीट मिर्जापुर के मझवा सीट है। मिर्जापुर जिले के मझवा विधानसभा सीट पर उपचुनाव होगा। विनोद कुमार बिंद ने 2022 विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की थी। निषाद पार्टी और बीजेपी गठबंधन से चुनाव जीतकर विधायक बने थे। विधायक बनने के बाद विनोद कुमार बिंद भदोही सीट से तैयारी कर रहे थे, जहां बीजेपी ने उन्हें अंत समय में टिकट दे दिया। चुनाव जीतकर सांसद बनने के बाद मझवा की सीट खाली हो गई। अब सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मिर्जापुर से आए समाजवादी पार्टी के नेताओं और पदाधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। इस बैठक में मिर्जापुर से लगभग 100 पदाधिकारियों ने भाग लिया और अलग अलग विषयों पर विचार विमर्श किया। बैठक का मेन मोटिव मझवा विधानसभा उपचुनाव को जीतने की रणनीति बनाना था। अखिलेश यादव ने पार्टी नेताओं को निर्देश दिया कि वो अपने अपने समाज के लोगों को पार्टी से जोड़ने के लिए हर संभव प्रयास करें। उन्होंने ये भी कहा कि नवरात्र के अवसर पर मझवा विधानसभा उपचुनाव के लिए पार्टी प्रत्याशी का ऐलान कर दिया जाएगा। अखिलेश यादव ने अपने संबोधन में कहा, हमें संगठन की एकजुटता और मजबूती के साथ चुनाव में उतरना होगा। हर नेता कार्यकर्ता को पूरी निष्ठा के साथ मेहनत करनी होगी। सपा अध्यक्ष ने यह भी जोर दिया कि पार्टी नेताओं को जमीन स्तर पर जनता के मुद्दों को उठाना चाहिए और उनके समाधान की दिशा में कदम उठाए जाना चाहिए। सिर्फ नारों और भाषणों से कुछ हासिल नहीं होगा, हमें हर गांव हर मोहल्ले में जाकर जनता का समर्थन हासिल करना होगा। इस बैठक में पार्टी नेताओं ने अखिलेश यादव के निर्देश को पूरी तत्परता के साथ निभाने का संकल्प लिया। मझवा उपचुनाव को जीतने के लिए एकजुट होकर कार्य करने की बात कही। मिर्जापुर के मझवा विधानसभा सीट के साथ उत्तर प्रदेश के 10 सीटों पर उपचुनाव होना है। इस 10 सीटों से सीसामऊ, कटहरी, करहल, मलकीपुर, कुंद्रकी, गाजियाबाद, खैर और मीरापुर शामिल हैं। इन सीटों में से खाली हुई 10 सीटों में से 5 सीसामऊ, कटहरी, करहल, मिल्केपुर और कुंद्रकी सपा के पास थी। वहीं फूलपुर, गाजियाबाद, मझवा और खैर बीजेपी के पास थी। मीरापुर लोकदल के पास थी।